द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी शासित प्रदेश मणिपुर में हालात हद से बदतर हो गए हैं। मणिपुर में नौबत यह आ गई है कि अमित शाह से मांग की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मणिपुर में दो समुदाय के बीच लड़ाई हुई, वो लड़ाई विवाद में बढ़ी, विवाद से हिंसा में बढ़ी और अब हिंसा से तबाही में तब्दील हो गई, जिसकी तस्वीरें और खबरें आप आए दिन न्यूज प्लेटफॉर्म पर सुन रहे होंगे। लगातार मणिपुर में हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। मणिपुर हिंसा की आग में धधक धधक कर जल रहा है और राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार इसे कंट्रोल करने में कई हद तक नाकामयाब साबित हो रही है और इसका जीता जागता ये उदाहरण है कि मणिपुर में पिछले कई दिनों से हिंसा जो है वो लगातार बढ़ रही है। लोगों के घरों में दिन दहाड़े आग लगाई जा रही है, कई लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। जो जरूरी सेवाएं हैं, जरूरी चीजें हैं, लोग उनसे भी उन्हें पाने के लिए भी तरस रहे हैं। और अब यह खबर आ रही है कि मणिपुर में यह नौबत आ गई है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। इन सबको देखकर तो यही कहा जा रहा है, यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा ही चला तो बीजेपी के हाथ से मणिपुर राज्य जो है वो निकल जाएगा। कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी वहां पर बुरी तरीके से हारी। हालांकि बीजेपी की वहां पर सरकार थी लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया विधानसभा चुनावों में। अब मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, मणिपुर में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हिंसा लगातार भड़क रही है और अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बीजेपी के हाथ से मणिपुर राज्य जो है वो भी निकल सकता है। पहले ही मणिपुर के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनमें आपस में नहीं बन रही थी, लगातार जो है मंत्री इस्तीफा दे रहे थे। त्रिपुरा में भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली और अब लगातार बढ़ती हिंसा और हिंसा जिस तरीके से तबाही में तब्दील हो रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ा रहा है। खबर देखिए, सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में लिखा है, indiatomorrow.net का ये ट्वीट है जिसमें जानकारी दी है कि अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने, अंतर जातीय संवाद स्थापित करने का आग्रह किया है। तो आप मणिपुर की स्थिति सिर्फ एक ट्वीट, सिर्फ इन दो लाइनों से ही समझ सकते हैं कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मणिपुर हिंसा की आग में चल रहा है और अब नौबत यह आ गई है कि वहां पर राज्य सरकार तो नाकामयाब हो ही चुकी है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। तो यहां पर कई लोगों का यह कहना है कि मणिपुर बीजेपी के हाथ से निकल सकता है और बीजेपी मणिपुर से भी आउट हो सकती है क्योंकि बीजेपी से मणिपुर राज्य संभाला ही नहीं जा रहा है। आगे खबर में देखिए, खबर में लिखा है, अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने, अंतरजातीय संवाद स्थापित करने का आग्रह किया है। खबर में आगे देखिए तो लिखा है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि वो जातीय हिंसा को नियंत्रण में लाने में विफल रहने के मद्देनजर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करें। कल एक पुलिसकर्मी सहित 5 लोगों के मारे जाने के साथ घरों को जलाने सहित हिंसा और संघर्ष अब भी जारी है। तो यहां आप साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और इसी के साथ राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने यहां पर केंद्रीय मंत्री से आग्रह भी किया है कि आप यहां पर राज्य सरकार जिस तरीके से फेल हो चुकी है उसके मद्देनजर राष्ट्रपति शासन जो है यहां पर लागू करें। तो आप देख सकते हैं कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जब विधानसभा चुनाव होने होते हैं तब पार्षद से लेकर नरेंद्र मोदी तक वहां पर जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अब जब मणिपुर के लोगों को इनकी जरूरत है तो ये वहां से गायब हैं और कई दिनों बाद जाकर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। हालांकि उनके दौरे से पहले भी इस तरह की हिंसक खबरें जो हैं वो लगातार आपको देखने को मिलेगी। आगे खबर में लिखा है, मणिपुर में 3 मई 2023 को उच्च न्यायालय के मैती को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले पर कुकी आदिवासियों के विरोध के बाद जातीय हिंसा वहां पर शुरू हो गई। इस हिंसा में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 250 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं। लगभग 26,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा जबकि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो 50,000 लोगों को दूसरे स्थानों पर पनाह लेनी पड़ी। तो मणिपुर में लोगों की हालत जो है वो बेहद खराब हो रही है क्योंकि वहां पर आम जन का बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों के घरों में आग लगाई जा रही है और इसी के साथ उनको वहां से अपना घर खाली करके दूसरी जगह पनाह लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई लोग तो जंगलों में छुप रहे हैं, कई लोग कहीं
नहीं चुप रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मणिपुर में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और इसे कंट्रोल करने में राज्य सरकार का क्या रोल है, यह आप खबरों में देख ही रहे हैं। पहले कर्नाटक चुनाव में ये लोग बिजी थे, लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तब भी मणिपुर के लोग इन लोगों को चिट्ठी लिख लिख कर पीएम मोदी से आग्रह कर रहे थे, मदद मांग रहे थे कि आप वहां पर दखल दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में अब कई दिनों के बाद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं उनका दौरा होता है और उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें, इस तरह की खबरें जो हैं वो थमने का नाम नहीं लेती है। आगे खबर में लिखा है, आरआरएजी के निदेशक श्री सुहास चकमा ने कहा है कि जातीय हिंसा की लपटों को बुझाने के लिए राज्य में चल रहे सैन्य अभियान पर्याप्त नहीं है। शांति और विश्वास स्थापित करने के लिए सभी स्तरों पर अंतर जातीय संवाद की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार पिछले एक महीने में कोई भी अंतर जातीय संवाद शुरू नहीं कर पाई है। ऐसा लगता है कि इस तरह की प्रक्रिया शुरू करने की स्वीकार्यता नहीं है। यह राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले को आवश्यक बनाता है क्योंकि केंद्र सरकार को एकमात्र तटस्थ और स्वीकार पक्ष के रूप में देखा जाता है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जातीय विवाद को सुलझाने के लिए अंतर जातीय संवाद करना जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार ने पिछले कई दिनों से, एक महीने से यह भी नहीं किया। लगभग एक महीना जो है वो होने वाला है मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, लेकिन उस दौरान भी जातीय अंतर संवाद नहीं किया गया, जो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और भी आवश्यक यानी कि और भी जरूरी हो जाता है। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग जो है वो उठ चुकी है और ये मांग क्या नया रूप लेगी ये देखना होगा। आगे चकमा ने कहा है, लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना केवल अपने नागरिकों के जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के ढांचे की विफलता को उजागर करता है। वर्तमान में लोगों का स्थानांतरण 1947 में भारत के विभाजन के दौरान लोगों के स्थानांतरण की याद दिलाता है। विभाजन के 75 साल बाद भारत सरकार लोगों के वर्तमान स्थानांतरण को स्थायी नहीं बना सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए कि लोग अपने घरों को लौट सकते हैं। तो यहां पर चकमा ने, जो कि राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उन्होंने यहां पर साफ साफ कह दिया कि राज्य सरकार यहां पर पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में भी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। हालत यह है कि मणिपुर के नागरिक जो है वो वहां से जो है दूसरी जगह पनाह लेने जा रहे हैं और इसके लिए वो मजबूर भी हो गए हैं। आगे लिखा है, चकमा ने जोर दिया कि सेना और अन्य अर्धसैन्य बलों द्वारा तलाशी अभियान की एक सीमा है। यदि जातीय हिंसा को नियंत्रित करने के उपाय राज्य में दशकों से चले आ रहे उग्रवाद विरोधी अभियानों के समान हो जाते हैं तो ये सभी के लिए एक चिंता का विषय है। शांति और आपसी विश्वास स्थापित करने के लिए सभी स्तरों पर अंतर जातीय संवाद समय की आवश्यकता है, जो कि राज्य सरकार ने इतने दिनों में किया ही नहीं। इस बीच यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट और कुकी नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य के मुख्यमंत्री पर हिंसा के लिए मूक दर्शक होने का आरोप भी लगाया है। सीएम ने कुकी समूह पर गांव में नागरिकों पर हमला करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने की अपील की है। इससे पहले भी मणिपुर में लगातार बीजेपी नेताओं, बीजेपी कैबिनेट मंत्रियों पर हमले हो रहे हैं और ये हमले मणिपुर में जिस तरीके से लगातार हिंसा तबाही में तब्दील हो रही है उन सभी की ओर इशारा करता है। और अब तो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। तो यहां पर बीजेपी सरकार पर तरह तरह के सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी सरकार इतने दिनों में मणिपुर की हिंसा को काबू करने में नाकामयाब कैसे साबित हो रही है। क्या फिर बीजेपी की प्राथमिकता सिर्फ चुनाव है और चुनाव जीतने के बाद वहां पर वो ध्यान नहीं देते हैं। कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मणिपुर में जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है उसे लेकर क्या सोचते हैं? और मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा लगातार तबाही में तब्दील हो रही है, लगातार हिंसा जो है वो बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।